तो भाई हमारी कम्युनिटी की तरफ से एक और रिक्वेस्ट आई है दीपांशु की तरफ से, ये रे मिस्टीरियो, गुंथर, कोडी रोड्स, रोब वैन डैम, जेफ आर्डी और रिकोशेट का एक एलिमिनेशन चैम्बर मैच देखना चाहते हैं, तो इनकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर एक स्पेशल मैच। तो भाई आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और भाई क्योंकि जब आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करते हो तो भाई तभी हम लोग ये वीडियोज लेकर के आ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हमें ज़रूरत है आप लोगों की, और अभी तक आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और अभी यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बिना लाइक और सब्सक्राइब के हम लोग यार कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे हम लोग। हम लोगों को मोटिवेशन अगर मिलता है तो आपके लाइक और सब्सक्राइब से मिलता है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद आए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जल्दी से जब भी कोई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो आज के मैच में मैंने फिनिशर किसी को नहीं दिया है। रे मिस्टीरियो करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है और उन्हें अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर दी है, और एंट्री मैंने सबको रैंडमली दी है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा ये गेम खुद डिसाइड करेगा। रे मिस्टीरियो वैसे पहले आ गए हैं और सबसे ज़्यादा एडवांटेज उसे रहती है जो सबसे लास्ट में आता है बाहर। तो रे मिस्टीरियो को आज अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए थोड़ा सा आज प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आज वो नंबर एक पर आए हैं और भाई लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हेल्थ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो देखते हैं कि अब वो आज अपनी चैंपियनशिप बेल्ट डिफेंड करते हैं कि नहीं। तो एक बार फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि एक एक रिक्वेस्ट जब मैं आपकी पूरी करता हूं तो वो इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कम्युनिटी मुझे बहुत सपोर्ट करेगी, लाइक ज़रूर करेगी वीडियो को, सब्सक्राइब जो लोग नए होंगे वो ज़रूर करेंगे सब्सक्राइब। और यही करके भाई मेरा जब चैनल स्टार्ट हुआ था तो मेरे सिर्फ 5 या 6 सब्सक्राइबर थे, और मैं करते करते अभी मुझे 1 साल भी नहीं हुआ है और मैं लगभग 1300 सब्सक्राइबर पार कर चुका हूँ। तो ये आप ही लोगों का सपोर्ट है और मैं ये यही मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी सपोर्ट करेंगे मुझे। चलो मैच पे कंसंट्रेट करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। तो रे मिस्टीरियो अब कोशिश करेंगे कि भाई लास्ट तक टिका जाए कैसे भी करके और अपनी हेल्थ बचा करके रखा जाए। जेफ आर्डी आ चुके हैं और अब 3 प्लेयर और बचे हैं, रिकोशेट, रोब वैन डैम और साथ में कोडी रोड जो अभी बाहर आएंगे इसके बाद। एंट्री मैंने सबको रैंडमली दिया तो पता नहीं चलेगा कि भाई कौन बाहर आने वाला है। रे मिस्टीरियो भाई हेल्थ सबसे ज़्यादा अगर कम हुई है तो रे मिस्टीरियो को ये है, हेड उनका डैमेज हो चुका है, बॉडी भी लो डैमेज कर दी भाई, बॉडी भी डैमेज कर दी। और जेफ आर्डी भाई बहुत अल्टीमेट प्लेयर है ये, गुंथर भी बहुत बढ़िया खेलते हैं भाई, बहुत बढ़िया खेलते हैं ये। आज करंट चैंपियन जो है ना वो रे मिस्टीरियो है, रे मिस्टीरियो को अपनी बेल्ट डिफेंड करनी है भाई आज, तो देखते हैं कि क्या रे मिस्टीरियो अपनी बेल्ट डिफेंड कर पाएंगे। बाकी उनकी हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी है, सिग्नेचर उनके पास आ चुका है लेकिन लग रहा तो नहीं है। मैंने जो एबिलिटीज़ है ना बाय डिफॉल्ट गेम में जिसके पास जो है मैंने उसको चेंज नहीं किया, जिसके पास रेजिलेंसी है सो रेजिलेंसी है, जिसके पास मूव थेफ्ट है मूव थेफ्ट है, जिसके पास जो है ना मैंने उसको इस मैच में चेंज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट जिसको जो मिला है वही इस गेम में चलेगा। रे मिस्टीरियो के पास सिग्नेचर आ चुका है और देखते हैं कि वो अपना सिग्नेचर कब लगाएंगे। फिलहाल कोडी रोड्स बाहर आए हैं और भाई आते ही रे मिस्टीरियो के हाथ, और ये मूव तो अल्टीमेट था भाई, एक ही मूव में रेड जोन में चली गई कोडी रोड्स की हेल्थ, एक ही मूव में भाई। मुझे चाहे बुखार भी हो मैं तब भी वीडियो बनाता हूँ, चाहे कुछ भी हो मुझे डिमांड आई है, मैं थोड़ा लेट ज़रूर हो सकता हूँ इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक सिंगल डिमांड को पूरा करूँ। अगर बीच में कभी कोई रह भी गई हो तो भाई उसके लिए मैं ज़रूर माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि भी कोई भी भाई ऐसा ना रहे जिसकी डिमांड पूरी ना हो। जेफ आर्डी की रेजिलेंसी चली गई, रे मिस्टीरियो के पास फिनिशर आ गया भाई और आ चुके हैं रिकोशेट रिंग के अंदर, और सबसे लास्ट में आएंगे रोब वैन डैम। तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज रोब वैन डैम को रहने वाला है। पहले मैं वीक में बहुत ही कम वीडियोस डालता था, लेकिन अभी पिछले 1-2 महीने में मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, डेली एक वीडियो डालता हूँ भाई। और मैंने मायराज की भी एक वीडियो बनाई है, तो मायराज की जो वीडियो है ना उसको आप बहुत सपोर्ट देना, और अगर उसको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है तो मैं उसके बाद उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं लेकर के आऊँगा। मैंने पार्ट 10 अपलोड किया उसका, तो उसके बाद पार्ट 11 भी लेकर के आऊँगा जल्दी। तो आप लोग उसको सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जो जरूर करना भाई जो नए। आज पता नहीं मैं क्यों इतना बार बार सब्सक्राइब करने पर जोर दे रहा हूँ, हमें मेंटली आप लोगों से मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें यूट्यूब पे वीडियोस डालने के लिए मोटिवेट करे सिवाय आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब के।
रोब वैन डैम आ चुके हैं बाहर और रे मिस्टीरियो खाली, अरे खाली नहीं थे भाई, जेफ हार्डी गए, जेफ हार्डी का खेल खत्म हो चुका है, जेफ हार्डी को एलिमिनेट कर दिया रे मिस्टीरियो ने। रे मिस्टीरियो बहुत बढ़िया खेलते हुए, एक सिग्नेचर और आने वाला है उनके पास, फिनिशर भी आने वाला है, एक दो हिट दूर है फिलहाल, वो रिकोशेट से उलझते हुए और जेफ हार्डी घर जाते हुए। कोरिडोर्स भी भाई बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, उन्होंने रोब वैन डैम को पकड़ लिया आते ही। और हमारे कुछ व्यूवर्स भी भाई कमेंट आए थे कि उनको रोमन को किसी उस मैनेजर के साथ नहीं उनको अच्छा लग रहा, तो भाई चलो रोमन को अब से अकेले ही लड़ाएंगे। अरे अरे अरे, रे मिस्टीरियो मुसीबत में, सिग्नेचर लगा दिया गुंथर ने उनको, लेकिन टैप आउट तो नहीं करते नजर आ रहे रे मिस्टीरियो अभी। कोडी रोड्स ने भी अपना सिग्नेचर लगाया भाई किसी को, या तो सिग्नेचर छीना है या लगा है। ये मैच बहुत बढ़िया होने वाला भाई, रेफरी काउंट करते हो लेकिन किक आउट कर दिया गुंथर ने, दो दो फिनिशर है भाई गुंथर के पास, और रे मिस्टीरियो के पास सिग्नेचर आ चुका है और फिनिशर से एक दो हिट दूर है। और फिलहाल कोडी रोड्स ने उनको डिस्टर्ब कर दिया, वरना वो गुंथर को मारने चले ही थे, और गुंथर ने मुझे लग रहा है कि फिनिशर लगा दिया। रे मिस्टीरियो के पास रेजिलेंसी है बचने के लिए, सिर्फ सिवाय रेजिलेंसी का कोई नहीं बचा सकता रे मिस्टीरियो को, और यूज कर ली, अभी भी एक फिनिशर है गुंथर के पास, और मुझे लग रहा है कि अब अगर फिनिशर पड़ा रे मिस्टीरियो को, तो भाई रे मिस्टीरियो एलिमिनेट हो सकते हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। फिलहाल रिकोशेट की जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा है, रोब वैन डैम की हेल्थ भी बहुत ही कम है भाई। कोडी रोड्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं और गुंथर भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, अभी तक जो एडवांटेज है वो गुंथर, रिकोशेट और कोडी रोड्स, भाई ये तीन बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। रे मिस्टीरियो को सिर्फ फिनिशर से बचना है कैसे भी करके, और फिनिशर आने वाला है रे मिस्टीरियो के पास, एक दो हिट अगर उन्होंने लगाए तो फिनिशर आ सकता है। और एलिमिनेशन जो है वो रिकोशेट के पास रेजिलेंसी नहीं है, और बाकी सबके पास भाई रेजिलेंसी है। कोडी रोड्स कोई फिनिशर तो नहीं है उनके पास, तो भाई रे मिस्टीरियो को चाहिए कि वो कोडी रोड्स से भिड़े, क्योंकि उनके पास फिलहाल फिनिशर नहीं है लेकिन आने वाला है बस, और जल्दी से अपना फिनिशर लगा करके किसी को एलिमिनेट करे। रोब वैन डैम के पास हेल्थ बहुत कम है, तो एक चांस लिया जा सकता है रोब वैन डैम को, हो सकता है कि रेजिलेंसी यूज ना भी करें। और भाई अब मुश्किल में रे मिस्टीरियो किक आउट करना पड़ेगा जैसे तैसे, लेकिन कर दिया भाई, किक आउट कर दिया रे मिस्टीरियो ने। कोडी रोड्स के पास फिनिशर आने वाला है, बस एक हिट लगी और फिनिशर आया उनके पास, और उसके बाद रे मिस्टीरियो का खेल खत्म। भाई जैसे तैसे करके रे मिस्टीरियो फिलहाल बचे हुए हैं, मेरा सारा ध्यान रे मिस्टीरियो के पास ही है, देखते रे मिस्टीरियो क्या करते हैं। फिनिशर आ गया भाई रे मिस्टीरियो के पास, फिनिशर आ चुका है, कोडी रोड्स से उलझने की जरूरत नहीं है भाई, फिनिशर आ चुका है कोडी रोड्स के पास, लेकिन अब उलझे भी तो किसके पास, सबके पास फिनिशर है। रे मिस्टीरियो को कुछ करना पड़ेगा भाई, रोब वैन डैम के पास भी भाई दो, चलो कोडी रोड्स ने अपना फिनिशर लगा दिया रिकोशेट को, उनके पास रेजिलेंसी नहीं है तो भाई कांड हो सकता है उनका। रेफरी क्या, कहां ध्यान है तेरा, काउंट कर ले, अब तो मुझे लग रहा है किक आउट कर ही देगा रिकोशेट, पिन फॉल हो गया भाई रिकोशेट का। रोब वैन डैम भी खतरे में, लेकिन रेजिलेंसी है उनके पास, रेजिलेंसी यूज कर ली भाई। रोब वैन डैम का पिक फॉल हो सकता है अगर रे मिस्टीरियो कोशिश करें, कोडी रोड्स के पास रेजिलेंसी है और मुझे लग रहा है कि वो फिनिशर, अरे नहीं नहीं नहीं, स्टाइल नहीं मारना था यार, रे मिस्टीरियो क्या कर रहे हो, एक सिग्नेचर है रे मिस्टीरियो के पास, एक फिनिशर भी है। रे मिस्टीरियो को रोब वैन डैम से भिड़ना चाहिए एक फिनिशर लगाने के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पिनफॉल हो सकता है भाई, पिनफॉल हो सकता है, बहुत बढ़िया भाई, रोब वैन डैम भी एलिमिनेट हो चुके, अब सिर्फ रिंग में तीन बंदे बचे हैं, और रे मिस्टीरियो भाई कांड कर सकते हैं। गुंथर को अगर एक फिनिशर लगा दिया तो भाई रेजिलेंसी जा सकती है गुंथर की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोडी रोड दूर रहना, तंग मत करना भाई, बहुत बढ़िया भाई, रेजिलेंसी यूज कर लिया, अभी भी रे मिस्टीरियो के पास एक सिग्नेचर फिनिशर है। और अगर कोडी रोड सब गुंथर से भिड़ते हैं, अरे 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 भाई बहुत बढ़िया रे मिस्टीरियो, भाई थोड़ा कमाल करो जल्दी। कोडी रोड्स नहीं 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 भाई, अरे नहीं भाई,
रिवर्स कर दिया रे मिस्टीरियो, लेकिन अब प्रॉब्लम में है गुंथर ने भाई, उनको सबमिशन मूव लगा रखा है, लेकिन अभी तक तो नजर नहीं आ रहे हैं किकआउट, या किकआउट कहूँ मतलब सबमिशन तो नहीं करेंगे भाई, टैप आउट तो नहीं करने वाले। कोडी रोड थोड़ा मदद करना यार उनका, मैं चाहता हूँ कि कोडी रोड यार गुंथर को मारे ताकि रे मिस्टीरियो को थोड़ा मौका मिल जाए। कोडी रोड सब मुसीबत में उनकी रेजिलेंसी जा सकती है भाई, वैसे किकआउट कर देंगे बिना रेजिलेंसी यूज किए कोडी रोड्स ने कर दिया। गुंथर यार नहीं, रे मिस्टीरियो को मत मारो, बहुत मेहनत किया रे मिस्टीरियो ने अंत तक पहुंचने के लिए भाई। रे मिस्टीरियो को जैसे तैसे करके सर्वाइव करना पड़ेगा रिंग के अंदर। कोडी रोड्स के पास फिनिशर सिग्नेचर नहीं है और गुंथर के पास भी नहीं है, तो भाई बड़ा अच्छा मौका है, और रेजिलेंसी नहीं है गुंथर के पास, अगर उनको फिनिशर पड़ा ना रे मिस्टीरियो तो भाई कांड खो सकता है। बहुत बढ़िया, गुंथर को टारगेट करो, कोडी रोड्स को नहीं भाई, उनके पास रेजिलेंसी है, गुंथर के पास सिग्नेचर आने वाला है, उनसे बच के रहना पड़ेगा। आ गया भाई सिग्नेचर, बच के रहना पड़ेगा रे मिस्टीरियो को, रिवर्स करना पड़ेगा जैसे तैसे करके। कर दिया भाई रिवर्स जैसे तैसे करके, उनका सिग्नेचर छीन लिया रे मिस्टीरियो ने, बहुत बढ़िया। और अब पिनफॉल भाई, पिनफॉल करो जैसे तैसे करके। कोडी रोड्स नहीं यार, रिवर्स कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। रे मिस्टीरियो अकेले फंस गया भाई, रे मिस्टीरियो नहीं भाई रिवर्स करो जैसे तैसे करके, रिवर्स करो भाई, दो दो फिनिशर ले रहे हो, एक फिनिशर गुंथर को लगा के एलिमिनेट करो भाई कैसे भी। रे मिस्टीरियो भाई सर्वाइव करो जैसे तैसे करके, सर्वाइव करो कैसे भी करके। रिवर्स करेंगे पक्का। गुंथर के पास फिनिशर है और भाई उन्होंने कोडी रोड्स को लगा दिया, रेजिलेंसी जाने वाली है कोडी रोड्स की, रेजिलेंसी गई भाई। अब रे मिस्टीरियो के पास चांस है भाई पूरा जीतने का, क्योंकि दो फिनिशर है उनके पास और गुंथर के पास फिनिशर नहीं है भाई। रे मिस्टीरियो जल्दी से भाई कमाल कर दो आज। और भाई गुंथर भी गए। अब कोडी रोड्स के पास कोई सिग्नेचर फिनिशर नहीं है, रे मिस्टीरियो तंग मत करना, और भाई फिनिशर चाहिए रे मिस्टीरियो की तरफ से भाई, अल्टीमेट भाई, दिल की धड़कन बढ़ती हुई रे मिस्टीरियो की तरफ से भाई, मैं तो यही चाहता हूँ कि रे मिस्टीरियो जीते। बहुत बढ़िया खेल रहे रे मिस्टीरियो, एक फिनिशर लगा दे भाई रे मिस्टीरियो, एक फिनिशर लगा दे, बहुत बढ़िया लगा, फिनिशर लगा भाई जैसे तैसे मर्जी, कहीं से भी निकाल के जैसे मर्जी लगा फिनिशर। भाई छोटे मोटे मूव लगाना बंद करो यार, फिनिशर चाहिए भाई रे मिस्टीरियो, दो दो फिनिशर ले रहे हो यार जल्दी, ये आखिरी मौका है भाई, इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला, ये लास्ट मौका है रे मिस्टीरियो भाई, जल्दी कर, रिवर्स मत करना कोडी रोड्स। अरे रिवर्स कर दिया भाई, फिनिशर छीन लिया भाई, अभी फिनिशर नहीं है कोडी रोड्स के पास, अभी बस एक दो हिट अगर रिवर्स कर दी रे मिस्टीरियो ने तो भाई कमाल हो सकता है। मूव्स लगाने में थोड़ा टाइम वेस्ट किया, नहीं, रिवर्स करो भाई रे मिस्टीरियो जैसे तैसे करके, रिवर्स करो। कोडी रोड्स के पास अगर फिनिशर आ गया ना फिर खतरनाक हो जाएगा भाई, रे मिस्टीरियो को रिवर्स करना पड़ेगा। अबे नहीं किया भाई, रिवर्स नहीं किया, किकआउट कर दे भाई जैसे तैसे करके किकआउट कर। अरे भाई बहुत टक्कर का मैच हुआ है, बहुत टक्कर का अल्टीमेट मैच। तो भाई ये गेम प्ले आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और नए चैंपियन हमें मिल चुके हैं कोडी रोड्स, तो भाई आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई।